के पांच मूल हैं, क्योंकि श्रुति में कुछ कहो है, श्रुति स्मृति में भी कुछ कही है बात, सदाचार माने परंपरा ने वह बातन को निभाई है, और तुमको भी मीठी मीठी लग रही है, स्वस्य च प्रियमात्मना। पर जा वक्त तुमको संकल्प करने को प्रश्न आयो, तब संकल्प वाक्य अनुष्ठान में तुम्हारा फोटो है। संकल्प तुम्हारा यह है कि वैष्णव में जितने आए हैं सब बकरा है हमारे, काटो इनको, ब्रह्म संबंध दे देते हो। भाई ब्रह्म संबंध देना अच्छी बात है, कहो है महाप्रभु जी ने कि सबको ब्रह्म संबंध हो, परंपरा से देव भी जा रहे हो ब्रह्म संबंध, वैष्णव को भी पसंद आ रहे हो ब्रह्म संबंध देना, तुमको भी देना आ रहा है पसंद है। पर संकल्प क्या है? संकल्प यह है कि ये वैष्णव ठाकुर जी की सेवा करे अपने घर में, कि संकल्प यह है कि ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं सके, सिर्फ हमारे यहाँ रखड़ तो हो जाए, दिन रात पेट धर तो हो जाए, जानवर की तरह एक गधा की तरह पूंछ हिला तो हो जाए। यदि यह संकल्प से तुम सच्चो बात भी कर रहे हो तो फिर वो धर्म नहीं है, अधर्म, अधर्म और केवल अधर्म शास्त्र सम्यक संकल्प जो काम। यही प्रत्येक धर्माचरण के पहले संकल्प करने की प्राचीन पद्धति होती है। विष्णु 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 भगवत महापुरुष है, संकल्प विहीन धर्म धर्म नहीं है, यह कहना चाहता हूं। तो श्रुति है, स्मृति है, सदाचार है, स्वस्य च प्रिया, स्वस्य प्रिय तो अपने को भी प्रिय लग रहे हो है, पर संकल्प बताऊंगा, बाप देखा नहीं तो श्राद्ध करा। संकल्प क्या है? संकल्प यदि खोटो है वो धर्म धर्म नहीं रह के अधर्म हो जा रहे हो, शास्त्र में कहो है तो फेस वैल्यू पे वो सच्चा लग रहे हो, फेस वैल्यू पे वो सच्चा लग रहे हो, मगर संकल्प तुमने खोटो कियो है, और वह संकल्प सुझे तुमने वह धर्म को सच्चे काम को कर रहे हो, तो वो धर्म धर्म नहीं रह के अधर्म हो गए हो, ये शास्त्र की मर्यादा आती। तो जा वक्त अपन कोई शास्त्र के वचन को, जा वक्त कोई अपन शास्त्र के कंसेप्ट को, या जा वक्त कोई शास्त्रीय प्रमेय की अपन परिभाषा समझ या समझाना चाहे व्याख्या करना चाह रहे हैं, वह वक्त भी संकल्प को डेफिनेटली एक रोल है, और वो डेफिनेट रोल है वो वह संकल्प जो है वो प्रमेय को शुद्ध या अशुद्ध बना। यदि खोटे संकल्प सु, यदि एक सच्चे मेरे को एक भगवती पावा हो, भगवती सॉरी पावा मिले, एक दिन मैं फंस गयो सभा में, गयो सभा में गयो तो उन्हें कही कि वहां सत्संग चल रहे हो, तो पावा को तो उन्हें कही कि सॉरी पधारे पधारे पधारे, अब तो आप ही कराओ सत्संग, मेरे को क्या पता क्या लफड़ा हो जाएगा, तो समझ तो है नहीं, इनोसेंटली मैंने पूछ लिया भाई जो विषय आप चला रहे हो वही आगे मैं चला दूंगा सत्संग करने को, तो हम ये विषय चला रहे थे कि बरहा पीड़म नटवर वपु करने हो कर्णिकारम श्लोक चला रहे थे, उनकी कहां तक चले हो, तो बोले यहां तक चले हो कि बर हा पीड़म मैंने हे वर तुमने बड़ी पीड़ा दी, तो भगवान ने कही कि कर रहे हो कर निकाल, नहीं मैंने कोई पीड़ा नहीं दी, ये प्रसंग तब आगे चलना ही नहीं मुझे। तो विभ्रम हासम, तो स्वामी जी हंस दिए, उन्होंने जब भाखा को जिन्हें ना पाड़ दी, फिर कहे कि कनक कपिशम ये बंदर कहां से आ गया, बंदर तो एक ही है जो वहां बैठा हुआ है, वो यहां कहां से आएगा। अब आगे में आप पता चला मंदी मेरी बुद्धि के बाहर बात है यार, ये प्रसंग अब आगे चलनो, मैं तो पीछे लौट के जानो चाह रहे हो कि बर आप तो के नटवर बपु, हाँ सॉरी कि नच की तरह नाच के ठाकुर जी ने करने हो कर निकाल, कान में ना पाटी तो मैंने तकलीफ नहीं की, तो विभ्रत हास स्वामी जी भी हंस दिए, कनक का विषम ये बंदर कहां से आ गया, बंदर तुम्हारी खोपड़ी में भरा हुआ है यार, बंदर और कहां से आएगा, तुम्हारी खोपड़ी कोई कम है बंदर को लाने के लिए, इसमें श्लोक में से और बंदर लाऊं मैं, ये क्या है, वही डोकरी के सत्संग की कथा है, रस कथा है सब, डोकरी के सत्संग की, पापा ऐसे आ जाए
कि वे ऐसी ऐसी कथाएं बताएं डोकरिया बिल्कुल सज जाए क्या पची स्वामी जी है ने हंसी दीदा अरे हंसी चेना दीदा बंदर बंदी रहा चे ठाकुर जी कहीं वांद रहा चे आगे आगे कथाओ सोचा समझा बिना आके राखी ये क्या है सत्य संकल्पज नहीं है सम्यक संकल्पज व्याख्यान नहीं है असम्यक संकल्पज व्याख्यान है कुछ और अपनों उल्लू पटानो है यहाँ क्योंकि जब तुमको श्लोक नहीं पता है श्लोकार्थ नहीं पता है तो क्या को व्यर्थ में खोटी धांधल कर रहे हो वाकी व्याख्यान करने की मन घड़त अर्थ या तरह सु करने और बेवकूफ बनाना जनता को क्योंकि तुम भगवदी हो ऐसी तुम छाप खड़ी करना चाह रहे हो दुनिया ने क्या तुम्हारा बिगाड़े हो कि वाकी तुम या तरह सु वाकी श्रद्धा की वाकी निष्ठा की वाकी आस्था को इतनो निष्ठुर वध कर रहे हो तुम पर आदमी करे क्योंकि वो मानव नहीं है ना सबसे बड़ी तकलीफ ये है या तरीके के उपद्रव चले हैं और इन उपद्रवों को कोई इलाज कोई के पास नहीं है कोई धर्म के पास नहीं है कोई काल में नहीं है तो क्योंकि असुर जो है वो सतयुग में भी पैदा होते थे असुर त्रेता युग में भी पैदा भय असुर द्वापर युग में भी पैदा भय तो कलयुग में क्यों नहीं पैदा होने चाहिए होने ही चाहिए असुर भी असुरन से घबराने की जरूरत नहीं है अपने को हर वक्त सुरता काय में रही भई है सुरत्व दैविकता काय में रही भई है वह रहस्य को समझने को प्रयास महाप्रभु जी के वाणी के और सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए तो जो रस और ये जो आपको प्रकरण है वह महाप्रभु जी के सिद्धांत के टर्मिनोलॉजी में अपने को समझना चाहिए कि आखिर क्या भागवत समझाना चाह रही है अपने को या बात के द्वारा और क्या श्री महाप्रभु जी वह अपने को इंटरप्रिटेशन समझा रहे हैं वो समझेंगे तो ये सारे प्रॉब्लम अपने सामने सॉल्व होंगे और या वह एक्सट्रीम पे अपन जाएंगे एक एक्सट्रीम ये है कि सबको डिनाई करो दूसरी एक्सट्रीम ये है कि एक्सेप्ट कर रहे हो तो 100% बल्कि 200% में अपनी लौकिकता घुसेड़ो तो यदि लौकिकता या तरह से घुसेड़नी होती भगवत लीला में तो महाप्रभु जी और गोसाई जी ऐसे क्यों कहते कि प्रार्थय रसिका स्वैरम पश्यन्ति महर निशम एतद् रसान विज्ञस्तु मात्राक्षित अपि वैष्णव तुम वैष्णव हो ये मैं क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट करने नहीं तैयार हूँ तुमको यदि ये बात की समझ नहीं है तो यह बात की विवेचना मत करो समझ है तो देखो आनंद सु तो वाक्य पीछे कोई महाप्रभु जी को गोसाई जी को कोई एक अप्रोच है एक वा भगवान को कैसे ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करना वाको एक आनंद है कोई भी चीज को जब अपन अपनी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करें तो वाको एक आनंद है वो अपनी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने में वाको जो आनंद है मैंने 2 साल पहले पूरे कंप्यूटर के जो फंक्शन है उन सबको ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में ह्यूमनाइजेशन करके एक्सप्लेन किया तो सचमुच में कंप्यूटर के प्रति मुख भी स्नेह आयो पता नहीं कंप्यूटर को मेरे प्रति स्नेह आयो कि नहीं और मुझे जब मैंने कंप्यूटर को वार टर्मिनोलॉजी में ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया कि कंप्यूटर में कौन सा जो फंक्शन है वो चित्त स्थानी है कौन सा फंक्शन कंप्यूटर में अहंकार स्थानी है कौन सा फंक्शन जो है कंप्यूटर में जो है वो मन स्थानी है कौन सा फंक्शन बुद्धि स्थानी है कौन सा फंक्शन इंद्रिय स्थानी है तो मुझे मजा आया नहीं मैंने जहाँ सेमिनार में वो निबंध पढ़े वहां भी सब लोग खुश हो गए कि भाई ये तो हमको कल्पना ही नहीं आती अब कोई बात को ऐसा अर्थ निकाले कि ये मनुष्य की तरह कंप्यूटर है तो अब कंप्यूटर को भी प्रामाण्य वैसे ही मान लो जैसे श्याम मनोहर जी को प्रामाण्य मान लो तो मैंने कंप्यूटर से एक दिन पूछो कंप्यूटर से मैंने एक दिन पूछो क्योंकि स्पेल चेक को एक प्रोग्राम है कंप्यूटर में तो स्पेल चेक मैंने स्पेलिंग फीड करी कंप्यूटर में वही है महाराज स्पेलिंग करेक्शन कैसे करें जस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर ने प्रपोजल दियो कैसो मिराज झांझवा नुजल स्पेलिंग करेक्ट करो अरे मैंने कि यार महाराज कैसे झांझवा नुजल हो गयो स्पेल चेक मो और शायद आप कंप्यूटर में करके देखियो स्पेल चेक में कंप्यूटर को पहला प्रपोजल है तो कि महाराज को स्पेलिंग मिराज करेक्शन करो तो हमें 3 ऑप्शन दे हुए तो मैंने क्या दूसरा ऑप्शन बता कुछ तो वहां निकली मैरिज ऑलरेडी डन नो मोर रिक्वायर्ड
क्योंकि दैट्स ना तो आने वो भी ऑप्शन नहीं मंजूर किया तो कंप्यूटर ने फिर अपनी अक्ल चलाई तो आने के मर्ज देखिए हम स्विच ऑफ करने में हिस्सा रहे या कंप्यूटर का प्रामाण्य खतरनाक है तीनों ऑप्शन महाराज को सुधारने के मेरे पास तीन ही ऑप्शन है या तो महाराज जो है वो मिराज है या मैरिज कर तो रहे या डूमर है लेकिन बस अब तेरे से कभी नहीं कोई उपदेश लेंगे गलती हो गई कभी स्पेल चेक में गया ही नहीं वहां के बाद तो भाई एक बात समझो मेरे कहने का मतलब कि बहुत सारे फंक्शन कंप्यूटर में ह्यूमनाइज टर्मिनोलॉजी में समझे जा सके हैं पर अब क्योंकि श्याम मनोहर जी ने कंप्यूटर को मनुष्य की तरह से मान लिया है और मनुष्य के सारे फंक्शन कंप्यूटर में बता दिए और वो कंप्यूटर से पूछोगे कि गोस्वामी श्याम मनोहर महाराज क्या है तो आपके पास तीन ऑप्शन वो श्याम मनोहर जी मर जाएगा डूब के या रहस्य को अच्छी तरह से समझो कि हर चीज जो है वो एक लिमिट में अच्छी है और लिमिट के बाहर हर चीज खराब है लिमिट में जहर भी जो है वो औषधि को काम करे और अनलिमिटेड यदि कोई अमृत के कुंड में भी कोई को डुबा दे ना तो दम घुट के आदमी मर सके है नहीं मर सके है ऐसी बात नहीं है तो हर चीज को लिमिट समझ लो अपने को जरूरत है कि कौन सी चीज की लिमिट कितनी है और कितनी लिमिट तक वहां को ले जाना और कौन सी लिमिट पर से फिर अबाउट टर्न होते भय अपने को नहीं आवे तो वह रास्ता पर अपने को जाना नहीं चाहिए जा रास्ता से अपन लौट के पाछे नहीं आ सकते हो ऐसा अंधनतम जैसा रास्ता हो वह रास्ता पे जाने को कभी साहस नहीं करना चाहिए तुम्हारे को भगवान ने अक्कल दी है तो कोई भी रास्ता पे चल के देखो बेनियाजाना हर एक राह से गुजरा भी करो शौक नजारा जो ठहरा है तो ठहरा भी करो पर इतनी बात तो ध्यान में रखनी चाहिए कि तुम्हारे में इतनी स्वतंत्र होनी चाहिए कि रास्ता यदि आगे खराब है तो तुम्हारे में लौटने की तुम्हारे को ऑप्शन ओपन रहना चाहिए यदि वन वे ट्रैफिक हो गई कि लौटने का ऑप्शन तुमको नहीं है गए सो डूबी मरना है तो फिर तुम चलने वाले मनुष्य नहीं हो तुम चलने वाले हैवान हो ये बात सिद्ध हो जाए मनुष्य की वेद ह्यस्तनम मानव की ये सामर्थ्य श्रुति ने कही है कि वेद ह्यस्तनम वेद श्वस्तनम वेद लोका लोको मृत्येन अमृतम ईप्सति मर्त्यसु यदि तुमको अमृत की खोज की दिशा में कोई मार्ग ले जा रहे हो है तो वह रास्ता पे जरूर आगे बढ़ो एक एक कदम आगे बढ़ो दौड़ के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है पर अमृतसु यदि कोई मर्त्य की दिशा में ले जा रहे हो है तो वो रास्ता घातक रास्ता है वह रास्ता से निवृत्त हो जाओ आ फिर लौट चले तुझको पुकारे देश तरह करके तुमको लौटने की सामर्थ्य होनी चाहिए यदि लौटने की सामर्थ्य नहीं है तो वह रास्ता पे चलने को साहस कभी नहीं करना चाहिए ऐसे ये जितनी भी लीलाओं के वर्णन हैं, उन सब में भी ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कौन से हद तक अपन वाकु अपने ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में समझें या ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में समझने से वो लीला को अपन समझ सकेंगे क्योंकि ह्यूमन टर्मिनोलॉजी नहीं होगी तो अपन वह लीला को समझ ही नहीं पाएंगे अपने को जब भी समझना पड़ेगा जैसे मेरे को कोई ने पूछी क्रिश्चियन ने भाई तिलकायत महाराज कौन है तो मैंने उनको कही कि तिलकायत महाराज हमारे पोप है पोप माने उनके जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं भाई पोप जो है वो ब्रह्मचारी हो है तिलकायत महाराज के ब्रह्मचारी नहीं हो वंश परम संपरा स्वाचार्य हो है अब पोप को मतलब इतना कोई स्ट्रेच करके काढ़े तो फिर गलत हो जाएगा वो ब्रह्मचारी नहीं हो है वंश परंपरा से महाप्रभु जी की वंश परंपरा से चले आते जो धर्म गुरु को पद है वो तिलकायत को पद है वो पोप को वो अर्थ वहां तक स्ट्रेच नहीं किया जा सके पर यहाँ तक स्ट्रेच किया जा सके कि पोप क्रिश्चियन संप्रदाय को सबसे बड़ा धर्म गुरु है ऐसे तिलकायत महाराज अपने वल्लभ संप्रदाय को सबसे बड़ा धर्म गुरु है बस वहां तक वो बात समझने में सहायक होगी और वाके बाद यदि आगे खींचनी शुरू करी तो वो बात घातक होने लगेगी ये रहस्य अपने को हर वक्त समझना चाहिए कि जहां से जो बात अपन आगे नहीं बढ़ाई जा सके वहां से अपने को लौटते कहीं भी आना चाहिए तो मार्ग पे तुम चलनो तुमको आ रहे हो और जहां से लौटनो तुमको नहीं आ रहे है वो मार्ग पे फिर चलने को तुमको अधिकार नहीं है अपन जाने अच्छी तरह से कि अभिमन्यु को वध यही नहीं है भयो तो महाभारत में तो चक्रव्यूह को भेदन करना आता तो चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता तो यदि चक्रव्यूह से निकलना आता तो अभिमन्यु को मारने वाला वक्त कोई हतो नहीं
तो अभिमन्यु जैसा अभिमन्यु मरियो काय के लिए, चक्रव्यूह भेदना आता तो पर निकलना नहीं आता तो चक्रव्यूह में घुसने के पहले हर वक्त ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपन जब घुसना जान रहे हैं तो निकलना जान रहे हैं कि नहीं, निकलना जान रहे हो तो घुस जाओ आनंद से, फिर कोई चिंता की बात नहीं है, पर यदि निकलना तुमको नहीं आ रहा है तो घुसने को साहस मत करो। प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्त्विदम् अहर्निशम् एतद् रसानभिज्ञस्तु मात्राक्षितपि वैष्णव। वैष्णव हो ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम सब लीला को चिंतन कर सको। यदि तुमको आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, बाकी भाव की अंडरस्टैंडिंग है, बाकी प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग है, बाकी मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग है, आनंद से तुम देखो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर वो सब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये लीलाएं तुमको मिसगाइड करेंगी, क्योंकि तुमको निकलना बाहर आएगा नहीं और तुम वहां ट्रैप हो जाओगे, और जब तुम ट्रैप हो गए फिर एड्स की तरह तुम तुम्हारा चेप दूसरे को लगाओगे, दूसरे को तीसरे को लगेगा और एक आपको एपिडेमिक कॉलोसल सत्यानाश को वातावरण पैदा हो जाए है। तो यह रहस्य को समझ लो बहुत जरूरी है, एक पूर्व भूमिका है जो ये सारे मेटाफर है कि नहीं या के पहले अपने को समझनी जरूरी है। या भूमिका के साथ कुछ बात मैं खास बताना चाहूंगा, हाँ बताऊ पीछे छोड़ो ये मैं बताऊ ये जो भाव रस और रसानाम समूह रास जो भी कहो उन सब में पीछे एक बेसिक तीन फैक्टर हैं जो समझने बहुत जरूरी है। वो फैक्टर आप देखो ध्यान से देखो धीरज से, ये क्या है? चतुष्कोण है ना, ये चतुष्कोण अपने को अनुभव हो रहे है और बोर्ड पे भी है। अभी आपके चतुष्कोण को सपना नहीं आ रहा है, ये चतुष्कोण यहां बोर्ड पे मैंने ड्रॉ कियो है और ड्रॉ कियो भयो चतुष्कोण आपको दिख रहे है, लिहाजा याकू मैं यथार्थ अनुभूति कह सकूं। क्यों? क्योंकि मैंने चतुष्कोण ड्रॉ कियो बोर्ड पे और आपको वो चतुष्कोण दिखो और आपने वो चतुष्कोण एक्सेप्ट कियो, तो जैसो अर्थ है ऐसी आपको अनुभूति भई, जैसी आपको अनुभूति भई वैसे आप बोले यथा विज्ञातम वदति, तो वो आपको स्टेटमेंट भी यथार्थ है और आपकी अनुभूति भी यथार्थ है। अपन सब यहां में कन्विंस्ड हो गए। ये क्या है? चार लाइन है, चतुष्कोण तो नहीं है, पर यदि कोई कुछ चतुष्कोण यहां में दिख रहा है तो यथार्थ अनुभूति नहीं है, चतुष्कोण को आरोपण हो रहा है चार लाइन, क्योंकि स्क्वायर की परिभाषा में यह बात आ रही है कि स्क्वायर जो है वो एक कंपोनेंट होल है, वो सिर्फ चार लाइन को कॉन्ग्रीगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, चार लाइन को इकट्ठे हो जानो चतुष्कोण नहीं है, और चार लाइनन को कोई एक टिपिकल मूड में जोड़ने को नाम चतुष्कोण है। आयो कि नहीं ज्योमेट्री में? तो याकू अपन चतुष्कोण नहीं कह सके, और यदि आप चतुष्कोण कह रहे हैं तो यथार्थ अनुभूति नहीं है, वो अयथार्थ अनुभूति है अथवा वह भ्रांति अपन कह सके। जैसो
जैसो अर्थ है वैसी अनुभूति नहीं हो रही है, पर आप इनकार कर सको कि हमें एक चतुष्कोण दिख नहीं रहे है? दिख तो रहे ही है नहीं, है नहीं पर दिख रहा है चतुष्कोण, चतुष्कोण दिख नहीं रहा ऐसे तो आप नहीं कह सको। दिख तो रहा है चतुष्कोण पर सचमुच में चतुष्कोण है नहीं। ये जो भी ज्योमेट्री पढ़े होंगे या राशि को अच्छी तरह समझ सकें, तो कुछ अनुभूति यथार्थ होने हैं और कुछ अनुभूति अयथार्थों में। ये स्पष्ट उदाहरण है कि याद करें कि जब वक्त चतुष्कोण की अपने को अनुभूति हो रही है तो वो हो रही है अनुभूति, एक चतुष्कोण जैसा लग रहा है पर टेक्निकली वो चतुष्कोण है नहीं, अनुभूति अयथार्थ है। जैसो अर्थ है ऐसी एग्जैक्ट अनुभूति नहीं है, पर अनुभूति कुछ अपनो रोल एक्सिस अदा कर रही है। आपको अपन डॉट डायो के अनुभूति डॉट डाई बन रही है कि जहां चतुष्कोण नहीं है थोड़ी बहुत कैरेक्टर कुछ चतुष्कोण जैसी आई और डॉट डाई बन के अनुभूति करिए कि हाँ हाँ चतुष्कोण है चतुष्कोण है। जा रहे भाई शांत रहे ना, चुप बैठ, डॉट डायो मत बन, चतुष्कोण नहीं है क्योंकि तेरे को ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ी हो तो पता चले कि चतुष्कोण नहीं है, अनुभूति तो डोट डाई है ना, मेंढक का मेंढक की तरह टर शुरू कर देगा है चतुष्कोण। बात समझ में आई अच्छी तरह से कि कुछ तकलीफ है? अब देखो बड़ी मजेदार एक बात आपको मैं बताने जा रहे हूं। ये फिगर भी कोई बहुत अप्रसिद्ध फिगर नहीं है, बहुत प्रसिद्ध फिगर है, सब लोगों को देखे हुए हैं सैकड़ों हजार बार। देखिए ध्यान से देखियो, वही फिगर में मैंने जब तीन क्रॉस ऐसे डाले तो एक एक स्क्वायर तिरछे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अब जब तक ये नहीं डाल लेते तब तक ये रिलेशन नहीं ख्याल में आ रहे हो। तो अब यदि मैं कहूंगा ना और थोड़ी सी रीजनिंग करोगे ना तो आपको ये रिलेशन भी ख्याल में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यो भी तो एक लाइन है, यो भी तो एक लाइन है ना? ये आ रही है कि नहीं है? आ रही है ना?
जैसे ये आ रही है और फिर देखो कैसा कैसा मजा है अब देखो ये तीन यो हो गए कि नहीं हो गए ना तीन यो जो पहले तिरछे जा रहे थे तीन अब तीन यो हो गए वर्टिकल हो गए आ रही है समझ में बात या कि मैं बहुत सारी डिजाइन या मैं अपने आप को कंफाइन करके और पैदा कर सकूं जैसे आपका रूप बदल गया कि नहीं बदल गया देखो ये नहीं बदले हो या की समझ अपनी बदलती जा रही है ये नहीं बदले है पर ये जो नौ स्क्वायर हैं, उन नौ स्क्वायर के बारे में अपनी समझ निरंतर बदलती जा रही है देखो अनुभव करियो यह बात अच्छी तरह से ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर सेंट्रल में कोई विशेष है और बाकी इर्द गिर्द गौण कोई स्क्वायर है लग रहे हो कि नहीं लग रहा जाकि प्रधानता नहीं हती जा स्क्वायर की जब मैंने तीन लाइन यो करी तब या स्क्वायर की जरा भी प्रधानता प्रकट नहीं हो रही थी अब अचानक वो स्क्वायर आंख में काटने दौड़ रहे हो तुमको कि नहीं दौड़ रहे हो दौड़ रहे हैं ना और ये प्रधानता सारो हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं हो गया अब वो तीनों स्क्वायर हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं तुमको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं अब वो स्क्वायर है मुख्य रहे आपका महत्व खत्म हो गया तीन एक हॉरिजॉन्टल हो गया अब देखो सिचुएशन पाछी बदल गई बदल गई कि नहीं बदल गई अब अपने को लग रहे हो कि जो किनारा है वो महत्वपूर्ण है बीच में कुछ पोलो है पहले लग रहे हो तो केंद्र में कुछ भरे भयो है आजू बाजू पोलो है अभी तो अपने पास टाइम नहीं है नहीं तो बाकायदा रंग भर दूंगा मैं पूरा घसीट के तो तुमको बाकायदा पोलोपन दिखेगा जो पहले बीच को भरेपन लग रहे हो तो और आजू बाजू जो बाकी कोर है वो कोर तुमको खाली दिख रही थी तो बाकी कोर जो किनारा जो खाली दिख रहे थे और केंद्र भरे हुए लग रहे थे अब पूरा रिवर्स हो गया केंद्र को रिक्त हो गया और किनारा भरे भरे हो गए आयो ख्याल में ये सारी पॉसिबिलिटी तुमने चेक करी ना
चेक करें ना पॉसिबिलिटी देखो एक थोड़ी धीरज रखो मेरे साथ तो अभी तुमको समझ में आएगी सारी बात क्या चल रहा है मूल रूप में अपन फिर आ गए मूल रूप में अपन अपने पाछे मूल रूप में आ गए अपन ने सारी सृष्टि के विविध प्रकार देख लिए कि नहीं देख लिए सृष्टि के कितने विविध प्रकार हो सके हैं इन 9 स्क्वायर में अभी तो और भी बहुत हो सके हैं ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर थोड़े से तुमको समझाए हैं हो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है यहां में माइंड इट तुम में धीरज चाहिए मेरे में धीरज चाहिए बोर्ड में वो शक्ति चाहिए और पेन में शाही चाहिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सके हैं अब मैं तुमसे एक मांग कर रहे हो ज्यादा नहीं 5 जने या साइड सो 5 जने या साइड सो एक या छोड़ सो एक या छोड़ सो एक या छोड़ सो एक वा छोड़ सो एक वा छोड़ सो एक वा छोड़ सो एक एक जनों बीच में सो उनमें से कौन सो तुमको स्क्वायर की डिजाइन याद रही लिख के कागज मेरे पास भेजो 5 जने कोई भी 5 जने हाथ उठा बस क्योंकि ज्यादा तो हाथ उठा हां चलो लिखो एक वो तो यहीं हो गई ना कोई बाबा जी मिलो एक कोई पीछे से लाओ दो यहां से दो यहां से दो यहां से ऐसे 5 जने लाओ फिर बोलो मत चुपचाप काम करो बोलो मत चुपचाप काम करो जो स्क्वायर तुमको याद हो जो स्क्वायर तुमको याद हो डिजाइन मैंने बहुत सारी बताई उन्हीं डिजाइन में से कोई रिपीट करनी है उनमें से रिपीट करो यदि तुमको कोई नई बात आती हो ख्याल में तो नई बात भी दो फ्री हो हाँ हाँ एक दो तीन ये सब लेडीज में ही है जेंट्स में कहाँ होगा इसका अपने गुड्स की बात करके रख क्या ये तो सभी बना दिए ये इतने सब नहीं एक चाहिए जस्ट एक सिंगल वन नॉट मोर देन वन बस देयर यू आर एक ही चाहिए ज्यादा दोगे तो मैं नहीं तुमको नहीं ज्यादा है नहीं दो नहीं एक ही चाहिए हाँ sufficient mero kaam chal gaya job is over dekho main result out kar raha hu ये देखो तत्काल की बातें हो अपन ये कोई लार्जर पार्टिसिपेंट में भी ये सर्वे कर सकते थे तत्काल को ये इंस्टेंट सर्वे को रिजल्ट है एक आई है ये एक आई है हाँ। नहीं हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक आई है त्रासी दो आई हैं हाँ हाँ मिडल वाली दो आई हैं मिडल वाली दो आई हैं और एक दो
तीन चार और पांच ये आइए बीच में हो लो। देखो एक ही चीज है, पर सबकी अपनी अपनी समझ, सबके अपने भाव अलग है कि नहीं है। सबकी अपनी समझ, अब भी तुमको बतायो, अभी तुम्हारे सामने डेमोन्स्ट्रेट कियो, अपन ने एक 10 को सर्वे कियो, वहां में सबकी समझ और सबके भाव या ब्लैंक तीन स्क्वायर के बारे में अलग है कि नहीं भाई? वहां में कुछ मेजोरिटी है, कुछ वासु माइनॉरिटी है, कुछ वासु माइनॉरिटी है, कुछ एकदम सिंगल है, ये अलग अलग भाव है कि नहीं? अब यहां में से सच्चाई क्या है कि यह जब मैं तुमसे पूछूं, क्या ये इलेक्शन है, चुटनी है ये, कि यही सच है? जो ज्यादा आए हैं वो सच है, बाकी सब खोटे हैं? क्या सत्य में याद तरीके ग्रेडेशन है कि जो एक आए वो 1% सच है, जो दो आए वो 2% सच है, जो तीन आए वो 3% सच है, और ये कितने आए? पांच आए तो 50% सच है। क्या अपन ये बात कह सके? सत्य के साथ या तरीके को परसेंटेज नहीं ड्रॉ किया जा सके है, प्रोवाइडेड सत्य में या तरीके की भाव के अनुरूप होने की सामर्थ्य हो या अनुभूति को। ये तुम्हारी, देखो अनुभूति की मैंने बात बताई, ये तुम्हारी अनुभूति है या अनुभूति के बारे में तुम्हारा भाव है कुछ, कि तुम वह भाव सु या सारे को ले रहे हो और वह भाव सु लेने के बाद डिसाइड नहीं हो पाएगो कि सत्य ये है कि सत्य वो है, ना ये यथार्थ अनुभूति में खपाई जा सके है, ना ये बात अयथार्थ अनुभूति में खपाई जा सके है। जो बात सिर्फ कही जा सके वो इतनी कि तुम भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्य श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यत उलुगाए विभाव यंति तत्त बहु प्रणय से सदन ग्रहाय। तुम जा तरह से सोच रहे हो वैसे भाव से ये तीन स्क्वायर तुमको दर्शन देने को मादा रखे हैं। हर ऑब्जेक्ट नहीं रखे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हुए हैं उनमें ऐसी प्लास्टिसिटी हुए है, उनमें या तरह की पोटेंशियलिटी हुए है, उनमें या तरह को सर्व भवन सामर्थ्य हुए है। ये छोटे से में इतना सामर्थ्य हूं या एक छोटे से तीन स्क्वायर में इतना सामर्थ्य है कि तुम जिन जिन भावन से वाकु भावित करो उन रूप से ये तुमको दर्शन दे सके है। तो जो जामे सर्व भवन सामर्थ्य वाकु जा भाव से भावित करो वा भाव से वो दर्शन क्यों नहीं दे सके, ये बेसिक इश्यू है। आई बात समझ में? ये बेसिक इश्यू है कि जाकु ये इतना छोटो क्षुद्र तीन स्क्वायर 3 to 3 9 स्क्वायर को एक स्क्वायर है, वह स्क्वायर में सर्व भवन सामर्थ्य कितनी अपन ने देखी। तो जामे सर्व भवन सामर्थ्य यदि वाकु तुम कोई भाव से भावित कर रहे हो तो वो वह भाव के अनुरूप अपना स्वरूप धारण क्यों नहीं कर सके है? कर सके, कोई भाव से वाकु भावित करने वाले चाहिए। महाप्रभु जी में गट्स है, महाप्रभु जी में करेज है, कि महाप्रभु जी कहें कि यदि तुम शून्य के तया वाकु भावित करोगे तो वो ब्रह्म शून्य होने तैयार है, तुम यदि कांत तया वाकु भावित करोगे तो तुम्हारे लिए वो कांत होने तैयार है, तुम यदि पुत्र तया भावित करोगे तो वो पुत्र होने तैयार है, तुम दुश्मन के तरह भावित करो वो दुश्मन होने तैयार है, तुम दोस्त के तरह भावित करो वो दोस्त होने तैयार है, तुम गुरु के तरह भावित करो वो गुरु बनने तैयार है, तुम शिष्य के तरह भावित करो वो शिष्य होने तैयार है, तुम बाप के तरह भावित करो वो बाप बनने तैयार है, बेटा की तरह भावित करो वो बेटा होने तैयार है। वहां में या तरीके की ये 3 × 3 जो स्क्वायर है वह तरीके की सर्व भवन सामर्थ्य है। वाकी सामर्थ्य को तुम इस इंटरप्रेट नहीं कर सको कि तुमने वाकु जा तरह से भावित कियो वहां वो एग्जॉस्ट हो जा रहे हो। अपन ने यह बात को अभी इतने छोटे से स्केल पे समझ के देखो कि मैंने यदि कोई एक भाव सु या को भावित कियो, मेजॉरिटी ने 50% जो सैंपल सर्वे है तो वहां में एक भाव सु भावित कियो, अरे वो सब
वो माने एक्सेस नहीं हो रहा, वो वाकई वो जितना सत्य है उतना ही सत्य ये भी हो सके है कि किनारा सब भरे भय और बीच में बोलो है, उतना ही सत्य वो भी हो सके कि बीच में भरे भय और किनारा सब खाली है। बांधो नहीं जा सकेगो, जहां बांधो नहीं जा सकेगो वहां ये बात समझो कि एक जो पैटर्न है वह पैटर्न को तुम उतनो ही वापर सको कि जितनो तुमको दर्शन दे रहे हो वासु ज्यादा वाकी ओवर स्ट्रेचिंग नहीं कर सको। जो बात मैं समझाना चाह रहे हूं कि जितनो वो दर्शन दे रहे हो है उतनी वाकी तुम अनुभूति कर सको हो, उतनी वाकी तुम मजा ले सको हो, तो वासु यदि ज्यादा तुमने ओवर स्ट्रेचिंग करी तो वा स्क्वायर के साथ इनजस्टिस हो रही है। रसानुभूति को क्रक्स या में है कि तुम्हारे भाव के अनुरूप वो स्वरूप धारण कर सके है, वो कर सके है ये वाकी सामर्थ्य है, पर वा सामर्थ्य को वाकी सामर्थ्य को वाकी तुम वाकी नियति मत मान लीजियो। यदि तुमने वाकी नियति मान ली जो वाकी सामर्थ्य है वाकी तुमने नियति मान ली, जो वाकी पोटेंशियलिटी है वाकी तुमने डेस्टिनी मान ली, तो तुम वाकू मिस इंटरप्रिट करोगे, मिस हैंडल करोगे और तुम मिस यूज ही करोगे। फिर ये बात मुख्य रस के कंसेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए। भगवान क्योंकि सब कछु बन्यो है, सब कछु बन्यो है तो सब कछु बन्यो ही है वो, पर जो भी कुछ बन्यो है वो जाके लिए बन्यो है, वाके लिए बन्यो है, जाके लिए वो नहीं बन्यो है। वाकू वा बात को कहने को न तो अधिकार है, न वाके कोई लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करने को वाकू राइट है। यदि वो बात तरीके के लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करने जाएगो तो आपको मिस इंटरप्रिट करेगो, मिसट्रीट करेगो, प्रभु के साथ मिसट्रीटमेंट हो जाएगी। यह बात को अच्छी तरह से समझो अपनी वार्ता ने, ये तो क्योंकि आज की ये पद्धति है समझाने की करके मैंने यह तरह से समझाया, अपनी वार्ता ने यह बात को बहुत बिना या तरीके के ड्रॉइंग खींचे अच्छी तरह से समझा दियो कि वो बाल भाव सुखावित करती थी और भगवान ने कही कि मुझको मूसा बिलाड़ी को डर लगे। और जब माने ये कह दी कि मूसा बिलाड़ी को डर लगे तो राक्षस ने कैसे मारे, तो भगवान ने की खत्म भाई बात, जा रूप से मैंने राक्षस मारे हैं वा रूप से मैं तेरा बाल भाव से सेवा ले नहीं रहे हो, चल कथा खत्म भाई ना। यदि वह ओवर स्ट्रेच कियो और वह रसा भास हो, यदि तुम्हारे साथ वो कांत के रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं है, व्यर्थ के वाके कांत होने की चिंता करो मत, कांत होने के वाके कंफ्यूजन निकालो मत, कांत होने की वो रसात्मक कथा डोकरियां मिलकर शास्त्र के साथ करो मत, अनलेस तुम्हारी तैयारी मीरा जैसी नहीं हो कि तुम अपने पति को छोड़ के वाके साथ भागने तैयार हो। मीरा में हति गट्स, मीरा में गट सती के राणा को छोड़ के निकल गई, मीरा में गट सती के महाराणा ने जहर को प्याला भिजवाया तो वाके नाम पे पी गई है वाके लिए काम। वो मीरा ही जान सके कि प्रीतम कृष्ण कैसे हो सके, तुम नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं है, खोटो ढोंग मत करो, खोटो पाखंड मत करो, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, रस है, रसात्मक है, धूड़ रस है, तुमको कहां पता है वो कैसा रस है, तुमने जानो क्या, तुम्हारी है तैयारी भागने की घर छोड़ के मीरा की तरह? जब तुम्हारी तैयारी नहीं है खोटी भ्रांति रखो मत दिल में। महाप्रभु जी ने या लिए स्पष्ट ये बात समझाई अपने को कि तुम्हारो और प्रभु को रिलेशन सिर्फ भक्ति रसात्मक ही है और कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा। श्रृंगार रसात्मक वो जिनको है उनको है, तुम्हारा नहीं है। वात्सल्य रसात्मक जिनको है उनको है, तुम्हारा नहीं है। सख्य रसात्मक जिनको है उनको है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा रिलेशन प्रभु के साथ भक्ति रसात्मक है। भक्ति मार्गाज मार्तंड कहो है, श्रृंगार मार्गाज मार्तंड तो नहीं कहो ना, वात्सल्य मार्गाज मार्तंड कहो। यदि भक्ति में वात्सल्य को तुम कन्फाइन करोगे तो या स्क्वायर में तुमने जो डिजाइन करी है वहां में तुम वा स्क्वायर को जैसे कन्फाइन कर रहे हो, जैसे भक्ति को तुम वात्सल्य में कन्फाइन कर रहे हो, फिर मीरा भक्त नहीं होती क्या?
या जो कोई सबके भक्ति कर रहे हो क्या भक्त नहीं है क्या? तो भक्ति में भी जो भगवान में जाकर ऐसे सर्व भवन सामर्थ्य है, वह तरह से भक्ति में भी सर्व भवन सामर्थ्य है, भक्ति में भी सर्व भवन सामर्थ्य है। पर वो सर्व भवन सामर्थ्य में भक्ति जो सामर्थ्य अपनी अपने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप जो रूप तुम्हारे में ले रही है, वो रूप जैसे तुमसे निवृत्त हो तो तुम्हारे लिए वो वात्सल्य भक्ति है। बाकी यदि तुमसे निवृत्त नहीं हो तो लेने को देना पड़ जाएगा। ये तो एक सच्ची बात बताऊं, ठाकुर जी माफ करें, पर क्योंकि सब असद बज में तमाशा में तगाफुल पर्दादारी है, असद अगर ढापे तो आंखें ढाप, हम तस्वीरें उड़िया हैं, तो तमाशा चल रहे हो करके मैं ऐसे आर्गुमेंट दे रहे हूं, नहीं देनी चाहिए, पर नोविंगली दे रहे हूं कि ठाकुर जी को अपन इतना इतना भोग अरोगा रहे हैं बाल भाव से, और ठाकुर जी को जो डायरिया हो जाए तो, और दिन रात शैयाएं बिगाड़े, दिन रात सिंहासन बिगाड़ना शुरू करें तो डर पाओगे शाम भोग इतना। अरे तुम्हारे सगे बच्चे जब अगर पोतनाएं बिगाड़े ना तुम घबरा जाओ, सगो बच्चा तुम्हारे पोतनाएं बिगाड़े बाब अगर तुम्हारी हालत टाइट हो जाए, बच्चा को प्यार करना अच्छा लगे पर बच्चा घड़ी घड़ी पोतरा बिगाड़े ना, लेने के देने पड़ जाए, जब जा मां ने जने हो ना वह मां को भारी पड़ जाते हुए तोबा होगी। तो जब कोई बात को अपन स्वीकार रहे हैं तो वो पहले अपने को समझना चाहिए कि वाक्य अनुरूप अपनी अधिकारिता है कि नहीं। प्रार्थये रसिका स्वैरम पश्यन्ति न महर्निशम एतत् रसः न भिज्ञस्तु माद्राक्षी तपि वैष्णव। ये कोई श्रृंगार रस के बारे में एपोलॉजिस्टिक वे में कही गई बात नहीं है, माइंड इट, ये बात वात्सल्य रस के बारे में भी उतनी ही सच्ची है, और ये बात सख्य रस के बारे में भी उतनी सच्ची है, ये बात दास्य रस के बारे में भी उतनी सच्ची है, और ये बात जो है वो श्रृंगार और मधुर रस के बारे में भी उतनी सच्ची है। महाप्रभु जी यही है, कोई भी इन रसन में सेवा अपने को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, सेवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना बीजदार्ढ्य प्रकारस्तु ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादि भी। ये आपको महाप्रभु जी को प्रपोजिशन है, भक्ति तुम करो, सेवा तुम्हारी भक्त्यात्मिका होनी चाहिए, भक्त्यात्मिका सेवा में तुम कृष्ण में ऐसे ऐसे प्रीतम खोजने जाओगे नहीं मिलेगा। प्रीतम तो वो ब्रज भक्तन को है, उनने भावित कियो है, उनमें ये माता हतो कि वो छोड़ के जा सकती थी, तुम्हारे में है माता, उनमें ये माता हतो कि कृष्ण जा वक्त काली नाग को नाचने के लिए जमुना में कूद पड़ो तो वो किनारा पे बेहोश हो गई, तुम्हारे में माता है कि तुम्हारा ठाकुर जी चुर जाए तो तुम बेहोश हो जाओ, तुम तो चला के अपने ठाकुर जी को पब्लिक ट्रस्ट कर रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट की काली नाग में तुम अपने ठाकुर जी को डुबा रहे हो, कह रहे हो नहीं डूबना चाह रहे, नहीं डूबना पड़ेगा क्योंकि पौभा आ गए मनोरथी, कहां है तुम्हारे में सामर्थ्य, वह ठाकुर को अपना प्रीतम मानने की सामर्थ्य कहां है, वह ठाकुर को अपना बालक मानने की सामर्थ्य क्या है, तुमने अपने बालक को अनाथालय में जमा किया, यदि तुमने अपने बालक को अनाथालय में एडमिट नहीं किया तुम्हारे जीते जी तो तुमने ठाकुर को घर में से मंदिर में कैसे पधराया, जो तुम्हारा घर नहीं है तो झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो कि ठाकुर जी को तुम बाल भाव से भावित कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, बाल भाव से तुम भावित नहीं कर रहे हो, कोई बालक अपने कोई माता पिता अपने बच्चा को अपने जीते जी कोई दूसरे के सामने पधराना नहीं चाहेगा, कोई माता पिता अपने बच्चा को याद करे से एग्जीबिशन नहीं चाहेगा, लेकिन तुम्हारे बच्चा को खाड़ों पकड़ के देखो छह छह घंटा छप्पन भोग में, छह छह घंटा खाड़ों करके देखो तुम्हारे ठाकुर जी को छप्पन बच्चा को तब पता चले झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम बाल भाव से भावित कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, तुम ठाकुर जी को प्रीतम मान रहे हो, प्रीतम मान रहे हो तो अपने पति को छोड़ के बताओ, वो तो माता है नहीं, वो तो माता है नहीं, प्रीतम मान रहे हो तो घर के ठाकुर जी को छोड़ के बाहर भटक क्यों रहे हो हवेली में, या तो खुलासा करो, वो माता तो है नहीं तुम्हारे,
कहां है तुम्हारा भाव? तुम्हारे भाव के अनुरूप ठाकुर जी बात ऐसे नहीं है, या करे किसी खोटी धांधल करने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको रसात्मकता का स्वरूप है वो एक हृदय और एक वह हृदय के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाले के बीच की पर्सनल प्राइवेट कथा है, वो भागवत में रिवील भई है। वाको मतलब ये नहीं कि अपन वाको मिसयूज करें, बिल्कुल वो उतनी ही अनधिकार चेष्टा है कि बड़े जो हैं वो माँ बहन की गाली देते हैं और बच्चा भी दोहराने लग जाए माँ बहन की गाली। तेरे को पता है क्या को मीनिंग क्या है? गाली को मीनिंग तो पता नहीं है, तुम खाली मोस जबानी बोल रहे हो, तो ऐसी बेवकूफी है नहीं है। तो हर पहले यह बात को समझो स्पष्टतया कि जो श्रृंगार भाव है, ये जो भी लौकिक भाव है, इन लौकिक भावन के अनुरूप क्योंकि प्रभु में सर्व भवन सामर्थ्य है करके जो यद्यत धियात उरुघाय विभावयंती तत्तत् वपो प्रणय से तदनुग्राह जाने वा करे सुभावित कियो है। और यदि वाके भाव में कोई तरह को छद्म नहीं है, कोई तरह को प्रदर्शन नहीं है, वाके भाव में कोई तरह को अल्टीरियर मोटिव नहीं है, तो भगवान वाके भाव के अनुरूप स्वरूप धारण कर सके हैं। वो वाको पर्सनल एक्सपीरियंस होगो, वो एग्जीबिशन की बात नहीं हो जाएगी। जब वाको एग्जीबिशन की बात बना रहे हो तब वाको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहे हो, वो तो एक एग्जीबिशन को माता हो गया, वो भाव ना रहे हो, वो तो अभाव हो गया। तो ये सारो रहस्य अपने को समझना पड़ेगा कि महाप्रभु जी ने सिर्फ सेवा भक्ति के तहत करने की कही है, इन भावन के तहत करने की नहीं कही है। ये भाव जो अपने कीर्तन साहित्य में वर्णित भय है वो तुम्हारे और कृष्ण के बीच में वर्णित नहीं भय है, यशोदा के और कृष्ण के बीच में वात्सल्य भाव वर्णित भयो है, गोपी और कृष्ण के बीच में श्रृंगार भाव वर्णित भयो है, श्रीदामा और ऐसो कृष्ण के बीच में सत्य भाव वर्णित भयो है, जिनके बीच में वर्णित भयो है उनके बीच में वो भाव है, तुम्हारे और ठाकुर जी के बीच में वो भाव नहीं है। यदि तुम कर रहे हो तो तुम ऐसे लांबा साथे डूबो जाए, नहीं तो मान दो खाए। मेरी बात समझ में आई तुमको? तो सबसे पहले या में एक ये बात समझने की जरूरत है कि उन भावन को अपन संचारी भाव तरीके ले रहे हैं, स्थाई भाव तरीके ले नहीं रहे। संचारी भाव का मतलब क्या? कि वो फैसेट भी है, वो सिर्फ तुमको समझाया जा रहा है। तुम एक कोई ऑब्सेशन हो जो तुमको अपील कर रहे हो, जो तुमको ये स्क्वायर अपील कियो, वास्तु तुम इतने ऑब्सेस न हो जाओ। मैंने या स्क्वायर को जो तुमने इंटरप्रिटेशन कियो, या स्क्वायर को जा करे से तुमने ग्रास्प कियो, वह ग्रास्पिंग सु तुम्हारी जो लिमिटेड ग्रास्पिंग है, वास्तु तुम ऑक्यूपाइड न हो जाओ, वहां के लिए दूसरे 10 और अल्टरनेटिव तुमको बताए जा रहे हैं। तुम ऑब्सेस्ड हो कि हमें आपको कन्फाइन मत कर लो, आपको बांध मत लो, सीमित मत कर लो, या में और भी असंख्य संभावनाएं हैं। क्योंकि तो या तरीके के सारे मिस इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होंगे, क्या वो प्रीतम है तो अब हमें ये भी होना चाहिए, तो प्रीतम है तो ये भी होना चाहिए। माने जैसे अपने यहाँ महाप्रभु जी को ऐसे पुरुषोत्तम कह दियो तो उनके सामने ऐसे शतरंज, वो क्या आपने शतरंज और ये चौपड़ सजानी शुरू कर दी, महाप्रभु जी क्या चौपड़ खेलने वाले कोई मूर्ख तो आचार्य तो जा अर्थ में चौपड़े सजा रहे हो, गेंद छड़ी छोगान सजा रहे हो, तो महाप्रभु जी के सामने गेंद छड़ी तो कहते गौर गुड़ स्त्री भाव के महाप्रभु जी को साड़ी धरा दो, चोली धरा दो। अब तो ऐसी ऐसी मैकेनिज्म आ गए कि वो चागत महाप्रभु जी नाचने भी लग जाएंगे ठुक ठुक करके। तो हम तो महाप्रभु जी को स्वरूप दिखे लो, समझो महाप्रभु जी को तुमने एक ऐसा मैकेनिक रूप बना दियो, क्योंकि मूर्ति बन रही है तो मैकेनिज्म भी बन जाएगा। वो महाप्रभु जी साड़ी पहन के नाचते भयो, ठुमका लगा तो भयो मिले, क्योंकि गुड़ स्त्री भाव है, हम वाका मजा ले रहे हैं। तो भाई ये बात समझो कि फिर वहां गुड़ स्त्री भाव कोई रावण भी आएगा महाप्रभु जी को हरने वालों, फिर तुम रहोगे। ऐसे खोटे उद्यम क्यों करने, ऐसे खोटे उद्यम क्यों करने, जो बात जो भाव जाके दो बीच की बात है वाको वहीं तक सीमित रहने दो। महाप्रभु जी ने जो अपने को समझाई ये बात, वो सीधी साफ सुथरी समझाई है कि तुमको सेवा भक्ति मार्ग के तहत करनी है, वाके जो रिलेशन जाके साथ जैसे हों उन रिलेशन को व्यर्थ में अपने संग के चलो,
मैंने ऐसे कहो जाए कि चार सवार दिल्ली जा रहे थे, पीछे जा रहे थे गधा पे बैठ के, और जब ऑप्टर पे उनने पूछी कि भाई चारों सवार कहाँ जा रहे हैं, तो चारों सवार बड़े ऑफिसर रहते, वो बोले नहीं पर दो ही से रहे नहीं, यानी कि पांचा सवार दिल्ली जाए। पूछ कौन रहे हो गधा पे बैठने वाले, गधा पे बैठने वाले को पूछ कौन रहे हो कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे जबरदस्ती तुम सोच रहे हो कि हमारा कृष्ण प्रीतम है, हमारा कृष्ण जो बालक है, कौन ने कही कौन ने कि तेरा बालक है, तेरा प्रीतम है, पांचवें सवार हो तुम। महाप्रभु जी ने सिर्फ तुमको भक्ति करने की कही है, सेवा के सेवा को भक्ति के तहत करो, ये भाव तुम्हारे नहीं है, ये भाव जाके साथ वाके हैं, यदि तुम्हारे साथ हो जाएगा तो तुमको या तरह से एग्जीबिशन और गांव को सत्संग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद वह भाव से कृष्ण के साथ एंटरटेन करते हो जाओगे वह भाव को, जब तुम वहां को एग्जीबिशन कर रहे हो, जब तुम वहां को सत्संग करा रहे हो, तो अब और मतलब कि तुम वह भाव को कृष्ण के साथ रिलेश नहीं कर रहे हो, वह भाव को तुम कोई ना कोई अपनी अल्टीरियर मोटिव को कैश करने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हो, ये बिल्कुल बात साफ बात है। इन बातों से अपने को बचना चाहिए, रस की ये जो सारी बात है या में जो मेटाफर है कि नहीं है, तो ये जब प्रश्न अपने सामने आयो तो आपको स्पष्ट समाधान ये है कि ये मेटाफर नहीं है, हकीकत में है, मगर जो हकीकत है वो हकीकत ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्तिमान और क्रिया शक्तिमान को आपस में जा तरीके को रास भयो है, वह शक्ति को अपन ने अपनी ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में याद करे सु समझने को प्रयास कियो है, पर वो जितनों है बाकी जो एक डिसेंट लिमिट है वह लिमिट में ही वो सच्चो है, जब हमें से इनडिसेंट अपन लिमिट को ट्रांसग्रेस कर रहे हैं तब वो रस नहीं हो के रसाभास हो जाए है, बिल्कुल वही तरह सु कि जा तरह सु ठाकुर जी को अपन ने अंकुट धरयो तो दूसरे दिन डॉक्टर को बुलावे क्या डायरिया हो गया, आई बात क्या तो बात है, तो यदि डायरिया के इलाज भी अपन ठाकुर जी को भोग धरेंगे तो अतिरिक्त हो जाएगा, वह रहस्य को अपने को समझना चाहिए, ये मेटाफर नहीं है, पर मेटाफर नहीं है वह का मतलब ये नहीं है कि 100% जाते हैं तो अपन अपनी टर्मिनोलॉजी में समझ रहे हैं, वह टर्मिनोलॉजी में वो भय है, वो डिफरेंट ऑल्टुगेदर एक पर्सपेक्टिव है वह को, जो पर्सपेक्टिव अपन को न तो समझ आ सके है और ना अपन वहां को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि अनुभूति अनुभूति गम्य है, या को एक सीधो सो आपको सिद्धांत बताऊं, हरिराय जी को पढ़ के देखो, प्राचीन सब बालकों को पढ़ के देखो कि जितनी तुम सामग्री धरो ठाकुर जी को हो, हमें स्पष्ट लिखे हो कि ठाकुर जी सामग्री नहीं अरोगे भाव अरोगे, स्पष्ट लिखे हो कि ठाकुर जी सामग्री नहीं अरोगे है तुम्हारो भाव अरोगे है, क्यों भाव अरोगे है वाको स्पष्ट कारण बताया है कि ठाकुर जी को स्वरूप खुद भावात्मक है, तो भावात्मक ठाकुर जी भावात्मक सामग्री भावात्मक सेवक के द्वारा समर्पित हो तो अरोगे है, या सिस्टम में कहीं भी भाव खंडित भयो तो वहां बाजू ठाकुर जी नदारद है, या बाजू सामग्री नदारद है, या बाजू सेवक नदारद है, ये तो भाव को डायनामिक इंटरप्ले है, भाव मिथ्या नहीं है, ये मैंने आपको यह सब बता दियो कि भाव जो है वो न यथार्थ अनुभूति है न भाव अयथार्थ अनुभूति है, या रहस्य को अब आप समझो, भाव जो है वाकु यथार्थ अनुभूति और अयथार्थ अनुभूति के दो विभाग में बांटे नहीं जा सके, भाव कोई यथार्थ और अयथार्थ इन दोनों से ऊपर उठ के, अंग्रेजी में या के लिए एक टर्म है अति यथार्थ सुर रियलिस्टिक, अंग्रेजी में आपको सुर रियल